हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सबका नए वीडियो में। तो मेरा पिछला वीडियो और जो भी मेरे नए सब्सक्राइबर हैं और मेरे जो कंटेंट है इस चैनल पे, वो आप ज़रूर से ज़रूर चेक करें। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियोस है, हमने बहुत सारे इंटरेस्टिंग अनबॉक्सिंग की है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स को अनबॉक्स किया है। तो आज भी मेरे पास ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट्स है जो हम अनबॉक्स करने वाले हैं और उनके फीचर्स के बारे में जानने वाले हैं। तो मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ कि आज हम लोग बहुत सारे लाइटों को अनबॉक्स करने वाले हैं। जी हाँ, तो हम लोग बहुत सारे लाइटों को अनबॉक्स करने वाले हैं, यानी कि हमने बहुत सारे लाइट वाली चीज़ें ऑर्डर की। तो ये सारी चीज़ें मैंने मीशो से ऑर्डर की हैं, अगेन जो अपनी फेवरेट साइट है। तो हम एक एक करके इस प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग करेंगे और देखेंगे इनके बारे में और इनके फीचर्स के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये हमारा पहला प्रोडक्ट, इसका अनबॉक्सिंग मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, तो इसका अनबॉक्सिंग वीडियो में डाल दूँगा। तो ये समझ लीजिए एक बॉक्स है, कंटेनर, और इसे आप ऐसे ओपन कर सकते हैं जैसे एक छोटी सी पेटी होती है, और इसके अंदर एक छोटा सा टॉर्च है, ये आप देख सकते हैं। एंड ये बहुत ही ब्राइट टॉर्च है, ग्लिमिंग। और ये इसके अंदर तीन फीचर्स है, एक जो आपका नॉर्मल टॉर्च, फिर यहाँ पे एक लाइट है, उसके साथ साथ इसमें एक SOS का भी फीचर है जहाँ पे लाइट ब्लिंक होती है। तो ये रिचार्जेबल है, यहाँ पे एक चार्जिंग पोर्ट है और एक बटन है, और इसी बटन से ये सब काम करता है इसका। तो जैसे इसको ऑन करते हैं तो ये लाइट चालू हो जाती है। और ये है दूसरा मोड जहाँ पे आपको लाइट ब्लिंक होगी, और ये है इसका लास्ट। तो यहाँ पे आपको ये तीन चीज़ों की लाइट मिलती है, और इसकी प्राइस मैं मेंशन कर दूँगा, बट प्राइस के हिसाब से ये बहुत ही वर्थ है, क्योंकि इसकी लाइट बहुत ब्राइट है और ये कैरी करने में बहुत ईजी है। और इसके साथ साथ आपको एक केबल मिलता है जिसके थ्रू आप रिचार्ज कर सकते हैं, जो कि माइक्रो USB केबल है। तो ये ज़्यादा फास्ट चार्जिंग सपोर्ट नहीं करता, तो इसे स्लो चार्ज पे आपको चार्ज करना है। और एक बार चार्ज करने पे फ़िलहाल ऐसा कुछ मेंशन नहीं है कितना चलेगा, बट इसका यूज़ हम ज़्यादा करते नहीं हैं तो ये काफ़ी टाइम तक चल सकता है। और इसके जो फीचर्स दिए हैं वो काफ़ी यूज़फुल है, तो मेरे तरफ से ये प्रोडक्ट के लिए थम्स अप है, आप ये प्रोडक्ट ज़रूर खरीद सकते हैं। तो ये है हमारा दूसरा पैकेट, चलिए इसे ओपन करते हैं। तो इस बॉक्स के अंदर एक और बॉक्स है, जो कि ये ओरिजिनल बॉक्स है इसका। तो ये एक टॉर्च है, इसके अंदर फंक्शंस लिखे हैं, कट द सीट बेल्ट, यानी इससे आप सीट बेल्ट काट सकते हैं, एक्सपांडर है, मैग्नेट्स है। तो इंटरेस्टिंग लग रहा है, चलिए इसे ओपन करते हैं। LED 3 वॉट टॉर्च है ये, तो ये दिखने में कुछ ऐसा है। काफ़ी स्टाइलिश डिज़ाइन है इसका, तो डिज़ाइन इसका काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ये जो है ये हैमर की तरह काम करता है, तो मैं कुछ तोड़ने फोड़ने नहीं वाला, बट ये बहुत पॉइंटी है, इसीलिए यहाँ पे एक रबर ग्रिप दिया है इन्होंने। और जो कटर है वो ये है, तो इसके थ्रू आप इसके अंदर से कट कर सकते हैं, तो हम कुछ काटने भी नहीं वाले हैं फिलहाल। और ये है इसका चार्जिंग सॉकेट, जहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे दो चीज़ें दी गई हैं, तो एक USB केबल जो इसके साथ मिला है उससे आप चार्ज कर सकते हैं, बॉक्स के अंदर है। तो इसमें भी सेम केबल जो लास्ट हुए प्रोडक्ट पहले प्रोडक्ट में हमने देखा, वही सेम केबल है, बट केबल की हालत बहुत ख़राब है। जैसा कि मैंने फिजिकल ओवरव्यू दिया है, इसमें आपको एक हैमर का चीज़ मिल रहा है, एक कटर है पीछे जिससे आप सीट बेल्ट अपनी काट सकते हैं, प्लस ये टॉर्च तो है ही, यहाँ पे एक बटन है, इसे ऑन करते ही ये चालू हो जाता है। ये भी काफ़ी ब्राइट है, इसमें भी एक मीडियम डो देन SOS और ये लाइट मिलती है। इसके साथ साथ सरप्राइजिंगली ये एक पावर बैंक भी है, तो यहाँ पे एक इंडिकेटर है, तो अगर आप यहाँ पे जो आपका केबल है इसे आप अटैच करते हैं, तो ये आपके मोबाइल को भी चार्ज कर सकता है।
यहाँ पे अगर मैं इसे लगाता हूँ तो ये चार्ज हो रहा है और यहाँ पे आपको एक ग्रीन लाइट जलती हुई दिखेगी। बट इसमें यही है कि मेंशन नहीं है कि ये कितने एमएच का पावर बैंक है, क्योंकि ये बहुत ही हल्का है कंपैरेटिवली। तो मुझे लगता है ज़्यादा 2000 mAh मैं कंसिडर कर रहा हूँ, बट वो भी फिक्स नहीं है, 1000 तक हो सकता है, पर कितना है वो मेंशन नहीं है। बट टॉर्च के हिसाब से और इसके साथ जो फीचर्स मिल रहे काफ़ी यूज़फुल है, काफ़ी जगह आप यूज़ कर सकते हैं। सीट बेल्ट कटर इमरजेंसी के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। और प्रोडक्ट का प्राइस मैं मेंशन कर दूँगा, बट प्राइस के हिसाब से ये काफ़ी सस्ता है और ये भी रिचार्जेबल है। तो मेरे तरफ से मैं आपको रेकमेंड करता हूँ कि आप प्रोडक्ट इजीली बाय कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रोडक्ट की तरफ। ये बॉक्स के अंदर भी एक और बॉक्स है। तो अगेन ये भी, जैसे मैंने बोला, आज हम बहुत सारी लाइटें अनबॉक्स करने वाले हैं। तो ये एक और USB चार्ज फ्लैश लाइट है और इसके अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं, जैसे LED, लिथियम बैटरी, देन हाई ब्राइटनेस, चार्जिंग फंक्शन। इसको ओपन करते हैं, इसके अंदर बबल रैप है, फिर अगेन सेम चार्जिंग केबल है, माइक्रो USB, और ये थोड़ा छोटा है, मीडियम साइज़ पर काफ़ी चौड़ा है। और इसमें जो लाइट है वो चार है। तो यहाँ पे भी एक बटन है, जिसे ऑन करेंगे तो ये आपका ब्राइटनेस दिख रहा है। फिर ये लो है, फिर ये SOS, फिर ये आगे की लाइट। ये तीन फीचर्स तो हमने देखे, सब में मिल रहे हैं। प्लस इसमें भी यहाँ पे एक चार्जिंग का पोर्ट है अगेन। तो इसमें कोई पावर बैंक नहीं है, ये सिंपल टॉर्च है। यहाँ पे इंडिकेटर है, जैसे ऑन करते ये आपको दिखाता है इसकी चार्जिंग कितनी है, ये जो मैंने बताया फीचर्स। और ये तो तीन तरह के लाइट ये इसमें भी आपको मिलती हैं। और प्राइस के हिसाब से ये भी टॉर्च अच्छा है और ये बाकी इससे भी ब्राइट है, क्योंकि इसमें आपको चार LED लाइटें मिल रही हैं, बाकी सब में आपको एक ही लाइट मिल रही थी। तो उसके कंपेरिजन में ये, और ये प्रोडक्ट ज़्यादा भारी भी नहीं है, बहुत हल्के हैं, तो आप इजीली कैरी भी कर सकते हैं कहीं भी। तो मेरे हिसाब से ये प्रोडक्ट भी अच्छा है, आप इसे बाय कर सकते हैं, मेरे तरफ से थम्स अप है। तो आप ये प्रोडक्ट ज़रूर चेक करें मीशो। ये हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट, तो मीशो ने अपनी पैकेजिंग काफ़ी अच्छी कर दी है। इसके अंदर एक और बॉक्स है, इसे पैक करते हैं। तो ये बहुत ही छोटी लाइट है, इसमें लिखा है की चेन लाइट। तो अगेन यहाँ पे एक सरप्राइजिंगली टाइप सी चार्जर मिला है इसके साथ। तो ये टाइप सी चार्जर है और इसके साथ ये छोटी सी लाइट है। तो ये की चेन वाली लाइट है और यहाँ पे पीछे एक बटन, पीछे एक मैग्नेट है मेरे ख्याल से, जिससे आप इसे चिपका भी सकते हैं और ये ऐसे ओपन भी होता है, तो इसे आप ऐसे रख भी सकते हैं। और ये चार्जिंग पोर्ट नहीं था, बटन था, मैंने गलती से निकाल दिया था। तो ये भी काफ़ी ब्राइट है, आप देख सकते हैं। तो इसमें भी SOS मिल रहा है। तो इसमें दो मोड है, ये ब्राइट है, फिर ये कम है, फिर ये SOS है और ये लास्ट है। ये बटन है फिलहाल, और इसका चार्जिंग पोर्ट यहाँ पे दिया है। ये आप ऊपर करेंगे तो यहाँ पे चार्जिंग पोर्ट दी गई है। तो सिंपल है, प्रोडक्ट को आप चार्ज कीजिए। ये पीछे मैग्नेट है, तो ये आपका किसी भी मैग्नेटिक वॉल पे आप चिपका सकते हैं, स्टैंड दिया है आपको, और ये बटन है। तो बहुत ही सिंपल प्रोडक्ट है, कीचेन लिखा है इन्होंने, कीचेन वाली लाइट है और काफ़ी यूज़फुल है, आप कहीं भी कैरी कर सकते हैं। आप कहीं ट्रैकिंग पे जा रहे हैं, कहीं पर भी जा रहे हैं, तो वहाँ पर आप कैरी कर सकते हैं। तो मेरी तरफ से ये प्रोडक्ट के लिए हाँ है, आप ये प्रोडक्ट ज़रूर चेक करें मीशो। बढ़ते अपने लास्ट प्रोडक्ट की तरफ, यहाँ ये लास्ट प्रोडक्ट है। तो जैसा कि मैंने कहा, ये एपिसोड जो है हमारा लाइटों के ऊपर है। तो अभी तक हमने जो लाइटें अनबॉक्स की,
ये भी एक तरह का लाइट ही है, काफी हल्का है और एलईडी वाटर सेंसर दिया। ये बहुत ही सिंपल प्रोडक्ट है, ये एक प्लग है जिसमें ये ऊपर से आपको अलग से दिया गया था, इसे आपको यहाँ पे फिट कर देना है, स्विच में लगाना है और इसमें कलरफुल लाइटें जलने वाली हैं। तो जिन्हें ऐसी कुछ चीज़ें पसंद है जो कलरफुल लाइट जैसे साइड में आपकी जलती रहे, ऐसे लोगों के लिए ये प्रोडक्ट यूज़फुल है, तो आप ये प्रोडक्ट ले सकते हैं और इसकी प्राइस भी काफ़ी कम है। तो उस हिसाब से ये प्रोडक्ट मुझे अच्छा लगा, इसका वीडियो मैं डाल दूँगा ये कैसे दिखने वाला है। मेरे जितने भी नए सब्सक्राइबर हैं उनसे मेरा निवेदन है कि मेरे वीडियोस ज़रूर से ज़रूर चेक करें और अपने कमेंट्स उस वीडियो में शेयर करें, इस चैनल पे अपने कमेंट शेयर करें, अपना जो भी आपके सवाल है, जो भी आपके फीडबैक है मुझे ज़रूर बताइएगा और इस चैनल को ग्रो करने में मेरी मदद कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।